दोस्तों खबर कोरोना वायरस को लेकर फैलाई जा रही ऐसी जानकारी को लेकर है जिसमें कौन सी सही है और कौन सी गलत है यह पता करना बेहद मुश्किल हो चला है। यहां पर तीन जानकारियों की बात हम करेंगे जिसने पूरे देश में एक तरह से हड़कंप मचा रखा है। पहला बयान आया है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का, जिन्होंने बताया कि सीटी स्कैन कराने से कैंसर का खतरा है और जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन करवा रहे हैं वो एक नहीं बल्कि हजार बार सोच लें, तुरंत सीटी स्कैन को ही विकल्प न माने। ऐसी सूरत में जब उनका कोरोना टेस्ट आरटीपीसीआर में नेगेटिव आता है और लोग धड़ल्ले से सीटी स्कैन करा रहे हैं, इसे लेकर अब एक ऐसा बयान सामने आ गया दोस्तों जिसने साफ तौर पर यह कह दिया कि रणदीप गुलेरिया झूठ बोल रहे हैं। किसने कहा है ऐसा वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ करेंगे उस 15 गुना ज्यादा खतरनाक कोरोना स्ट्रेन की बात जिसका जिक्र लगातार प्राइम टाइम में कई जगह पर हो रहा है। आंध्र प्रदेश में कैसा कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिला है जो मौजूदा वक्त में मौजूद कोरोना वायरस के स्ट्रेन से 15 गुना ज्यादा संक्रामक है, लेकिन अब इसे भी लेकर एक काट आ गई है। एक बयान इसको लेकर भी आ गया जिसमें यह कहा गया है कि इस तरह का कोई भी स्ट्रेन मौजूद है ही नहीं। किसने कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे कि किसी स्ट्रेन की वजह से छत्तीसगढ़ ने सुकमा जिले में आंध्रा से लगने वाली अपनी सीमा को सील कर दिया। ऐसे में इन जानकारियों के बीच तालमेल का न होना, अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग जानकारियों का पता लगना, किसकी माने किसकी ना माने, ये लोगों के सामने एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है क्योंकि सरकारें भी कन्फ्यूज हैं, वो भी तब जब कोरोना के कहर से लगातार लोगों की जान जा रही है। और ऐसे में आप क्या करें वो हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। सबसे पहले खबर बताते हैं दोस्तों, हाल ही में रणदीप गुलेरिया का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा था कि सिटी स्कैन आप ना कराएं और सिटी स्कैन को आखिरी विकल्प के तौर पर देखें, क्योंकि अगर आप सिटी स्कैन कराते हैं तो एक सिटी स्कैन कम से कम 300 से 400 एक्सरे के बराबर हो जाता है जो कि आपके चेस्ट को रेडिएशन से एक्सपोज करता है और इस सूरत में कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि आप पकड़ने गए थे कोरोना वायरस को लेकिन आप घर लेकर आ जाते हैं कैंसर को, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अब इसको लेकर इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन का बयान सामने आया, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सी अमरनाथ। उन्होंने कहा है सीटी स्कैन से न केवल संक्रमण की गंभीरता का पता चलता है बल्कि इससे आगे के लिए कोविड मैनेजमेंट की प्रभावी योजना बनाने में भी काफी मदद मिल जाती है। गुलेरिया के इस बयान का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है, खास तौर पर से चेस्ट के एक सिटी स्कैन को 300 से 400 एक्सरे के बराबर बताना आईआरआईए के बयान में कहा गया कि बहुत पुरानी बात है। ऐसी स्थिति 30 से 40 साल पहले हुआ करती थी, जबकि आज के आधुनिक युग में जिन सिटी स्कैनरों का उपयोग जांच के लिए किया जाता है उनमें अल्ट्रा लो डोज यानी कि बेहद कम या फिर हल्की रेडिएशन का इस्तेमाल होता है जो केवल 5 या 10 एक्सरे के बराबर होती है, इसलिए इससे कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती नहीं यानी कि बहुत ही कम होती है। और दूसरी खबर जिसमें आंध्र प्रदेश में मिले कोरोना के एक स्ट्रेन के 15 गुना ज्यादा खतरनाक होने की बात कही गई थी दोस्तों, इस पर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने कहा है कि कोविड-19 का ऐसा कोई अलग आंध्रा स्ट्रेन नहीं है जो कि 15 गुना ज्यादा खतरनाक और ना ही पहले से मौजूद किसी स्ट्रेन के अधिक संक्रामक होने का इसमें पता चल रहा हो। और आखिर में बात की आप क्या करें और किसकी माने, तो आपके सामने जो विकल्प है जो हम बार बार कहते रहते हैं वो यही है कि डबल मास्क लगाइए, जल्दी से जल्दी जैसे ही वैक्सीन मिल जाती है तुरंत वैक्सीनेशन करवा लें, पहला टीका लगने के बाद निश्चिंत ना हो, दूसरा टीका लगे उसके बाद भी निश्चिंत ना हो, तकरीबन 1 महीने का वक्त लीजिए, टीके को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन मास्क ज़रूर लगाएं क्योंकि वैक्सीन आपको मौत से सुरक्षा दे सकती है लेकिन कोरोना नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकती। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इसको लेकर कमेंट करें, इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।